एक बार नहीं कई बार मिला इन्हें प्यार में धोखा, दो अनजान अजनबी मिले ऐसे जैसे पतझड़ में बहार। तो हमारी वीकेंड स्पेशल सेगमेंट बागी लव स्टोरी में हम लेकर आए हैं आपके लिए जाज खान और पवित्रा पुनिया की प्रेम कहानी। बिग बॉस 14 में मिले इजाज और पवित्रा। इजाज शांत स्वभाव के मुस्लिम घराने के, वहीं पवित्रा चुलबुली हिंदुइज्म को फॉलो करने वाली। शुरुआती दिनों में घर में दोनों में जमकर टकराव हुई, कई बार दोनों में जबरदस्त झगड़ा देखने को मिला। धीरे धीरे इनके बीच दोस्ती बढ़ने लगी। पवित्रा की पर्सनल लाइफ काफी कॉन्ट्रोवर्शियल रही। पवित्रा ने बिग बॉस के घर में ये बात कही थी कि वो एक टाइम पर डबल डेटिंग कर रही थी। वो एक्टर पारस छाबड़ा और प्रतीक सेजपाल को डेट कर चुकी हैं। दोनों से ही उनका ब्रेकअप काफी अगली रहा और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुमित महेश्वरी नामक एक शख्स ने दावा किया था कि वो पवित्रा के पति हैं और उनका डिवोर्स नहीं हुआ है। वहीं जाज एक्ट्रेस अनिता हसनंदानी के साथ रिलेशनशिप में थे और फिर एक फिरंगी महिला को डेट कर रहे थे और इन सारी कॉन्ट्रोवर्सी के बाद इजाज और पवित्रा का रिश्ता परवान चढ़ा और क्या खूब चढ़ा। पवित्रा शो से एलिमिनेट हो गई थी, जिसके बाद इजाज उनकी याद में काफी खोए खोए रहते थे। उस दौरान उन्हें एहसास हुआ कि वो पवित्रा से प्यार करते हैं। घर में मेहमान बनकर पवित्रा आई और तभी नेशनल टीवी पर उन्हें प्रपोज किया। दोनों में उम्र का तकरीबन 12 साल का फासला था और दोनों के धर्म भी अलग, बावजूद इसके दोनों को प्यार हुआ। टेली मसाला के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में एजाज और पवित्रा ने बताया कि कैसे दोनों मिलकर एक दूसरे का फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। इजाज आरती करते हैं मेरे साथ और इजाज को पता होता है कि आरती का टाइम हो गया तो इजाज खुद ही अब भजन लगा देते हैं। उन्हें पता है कैसे करते हैं। तो हाँ, मैं ईद पे मैंने उनका ख्याल रखा, गणपति पे मेरा पूरा साथ दे रहे हैं। शेरखुरमा खाया हमने जमात के पहले भी, कुछ खाते हैं। वो पवित्रा को एक्सप्लेन कर रहा था क्या होता है, क्योंकि आगे चल के बागडोर उन्हें ही संभालनी है इन सब चीजों के बारे में। नॉट दैट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो चूज करती हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो वो करती हैं और उन्हें मजा भी आता है ये सब करने में। ये दोनों तकरीबन 2 साल से साथ हैं, इवेंट पर मस्ती करते रोमांटिक होते दिखाई देते। वही अब उनका रिश्ता जल्द शादी के बंधन में बन सकता है, क्योंकि एजाज ने हाल ही में पवित्रा पुनिया को शादी के लिए प्रपोज किया। उन्होंने एक रेस्टोरेंट में पवित्रा को डायमंड रिंग के साथ प्रपोज किया। एजाज के यू अचानक प्रपोज करने पर पवित्रा शर्मा गई। एजाज ने इसकी तस्वीरें भी शेयर की जिसमें वो अपनी एंगेजमेंट रिंग फ्लॉन्ट करती हुई नजर आई। एजाज ने कैप्शन में लिखा, बेबी अगर हम सही समय का इंतजार कर रहे हैं तो कभी नहीं आने वाला है। मैं आपको अपना बेस्ट के लिए वादा करता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? उन्होंने हाँ कह दिया। टेली मसाला के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में एजाज ने पवित्रा के साथ शादी को लेकर कहा, अगर हम इस वक्त करें तो लोगों को करने का मौका मिलता तो हम नहीं कर रहे हैं। बहुत सोच समझ के हम कदम उठा रहे हैं और एवरीवन नोज दैट वी आर इन दिस टुगेदर, एवरीवन नोज दैट दिस इज इट फॉर बोथ ऑफ अस एंड इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। और आवर फैमिलीज आर वेरी हैप्पी विद इट, आवर फैमिलीज नो एग्जैक्टली कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और हर एक इंटरव्यू में एक्सप्लेन करना थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है कि कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। स्माइल के साथ आप बताते रहो, स्माइल के साथ आप बताते रहो कि कुछ चैलेंजेस है जिनको ओवरकम करना है। इतने सीरियस नहीं है जो रोज आम जिंदगी में होते हैं, हर एक कपल के में होते हैं। प्रैक्टिकल इश्यूज है कि एक साथ घर में रहना है, वो घर कहाँ होगा, कैसे होगा। तो कुछ इस तरह रही इजाज पवित्रा की ये बागी मोहब्बत। कितने इंप्रेस हुए आप इनके इश्क की दास्तां सुनकर, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। और टेलीविजन से जुड़ी सारी ताज़ातरीन खबरों के लिए देखते रहिए टेली मसाला।